रायपुर में शराब दुकानों में इन दिनों एक्साइज विभाग के अधिकारियों की गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी इतनी कि वो कर्मचारियों के साथ ना केवल गाली गलौज करते हैं, बल्कि अब तो मामला मारपीट तक पहुंच गया है। ये सीसीटीवी फुटेज बस्तर या कहीं और के नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर के एमजी रोड स्थित कादर चौक पर मौजूद एक शराब की दुकान के हैं। ये फुटेज 14 दिसंबर के हैं, जब एक्साइज विभाग के एडीओ फ्लाइंग स्क्वाड के साथ दुकान में जांच करने पहुंचे थे। जांच करना तो दूर, दुकान में घुसते ही उन्होंने 2 सेल्समैन को तमाचा जड़ दिया, लेकिन गुंडागर्दी करने पहुंचे अधिकारियों की टीम को ये पता नहीं था कि वो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो जाएगी। इस पूरे मामले की शिकायत रायपुर कलेक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, जिस अधिकारी ने कर्मचारी को तमाचा मारा, उसकी दबंगई बताने वाले लोग ये भी बताते हैं कि वो आए दिन शराब दुकानों से 10-20 हज़ार नहीं बल्कि 50-50 हज़ार रुपए दुकान से ले जाते हैं, और ये कहते हैं कि ले गए पैसों को वो ग्राहकों को महंगी शराब बेचकर वसूलेंगे। हालांकि जिस दुकान में वो पैसे ले गए हैं वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। For more information, log on to www.clips.in.